पीटीआई को तीन किस्म के लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले वो लोग हैं जो बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, उन्होंने कभी जेलों बंद की सख्तियां झीली नहीं हैं, वो टेक्निकल काम जानते हैं। जिस तरह असद उमर टाइप लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शहबाज के लोग हैं, असद उमर हो गया, इस किस्म के लोग हैं जो परफेक्ट प्रोफेशनल लोग हैं। वो लोगों में ठहर के लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, वो जो फाइनेंस का काम है वो कर सकते हैं, लेकिन वो जेल या कैदो बंद की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो असद उमर टाइप लोग हैं। एक तो इस किस्म के लोग छोड़ते जा रहे हैं। नंबर दो जो है वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, उन्हें जहाँ पे भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो भाग जाएंगे। पीटीआई में भी वो बेटर अपॉर्चुनिटी देख के आए थे, और जहाँ पे उन्होंने अपने वजारतें इंजॉय की हैं, और उसके बाद वो अब जब इस पर मुश्किल वक्त आया, जब देखे ना किसी टब में पानी अगर गर्म होना शुरू हो जाए तो मेंढक उसे छलांग मार के किसी ठंडी जगह पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं, वो थोड़ा सा ना अपना जिस्मानी जो अजियत है उसे बर्दाश्त नहीं करते। ये बिल्कुल उसी तरह है, ये ठंडी जगह की तलाश में रहते हैं। ये इसमें फवाद चौधरी किस्म के लोग हैं या दूसरे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करता। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये पार्टियों से घूम फिर के आए हैं, यहाँ पे उनको फ़ायदा मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया और उसके बाद वो जंप कर गए दूसरी पार्टी में। इसके बाद जो तीसरे नंबर है ना, तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर वो हैं जिन्हें इमरान खान ज़बरदस्ती सियासत में लेके आए थे, यानी कि ख़वातीन। उन्हें नॉर्मली सिर्फ नाजुक कहा जाता है, वो अजियतें कम बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन उनका रोल जो होता है ना, लीडिंग होता है। इसी तरह अगर हम देखें, जिसे इमरान खान अपने स्ट्रेंथ समझते थे, अपोजिशन ने उसे उनकी वीकनेसेस बना दी। इमरान खान ख्वातीन को सियासत में इसलिए लेके आए क्योंकि उसे पता था कि पाकिस्तान है मशरकी मुआशरा है, हमारी जो हुकूमतें हैं ये ख्वातीन पे हाथ कम अज़ कम नहीं डालेंगी क्योंकि मशरकी मुआशरा इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर जब इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है या पीडीएम है, उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट ख्वातीन को किया क्योंकि वो इजी टारगेट हैं और जल्दी टूट जाती हैं। ख्वातीन शायद जिस्मानी तशद्दुद से तो ना टूटे, मगर जब उनके बच्चे इन रिस्क होंगे। देखें, अब जितने भी ख्वातीन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, उन्होंने अपने बच्चों की बात की है, वो श्री मजारी हों, वो मलाइका बुखारी हों, या फिर वो मुसर्रत चीमा वगैरह हों, सब ने यही बात की है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ख्वातीन जल्दी ब्लैकमेल हो जाते हैं या जल्दी हिरास हो जाते हैं जब उनके फैमिली तक बात पहुंचती है, तो वो नहीं बर्दाश्त करते इस प्रेशर को, बाकी तो हर किस्म के प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने टारगेट किया वो ख्वातीन जिन्हें इमरान खान अपनी स्ट्रेंथ समझते थे, अपोजिशन ने उनको इमरान खान की वीकनेसेस बना दे, उनके फैमिली को थ्रेट करके, उनको हिरासा करके, जिस्मानी जहनी तौर पर हिरासा करके उनको इमरान खान से हटाते जा रहे हैं। यही तीन किस्म के लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान से साइड पर होते जा रहे हैं, और इससे पार्टी को किस हद तक नुकसान होगा उस पर मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में बात करूंगा।